स्टूडेंट टॉपिक आई लिखा है वो साइंस। क्वेश्चन नंबर वन आए एनिमल्स व्हिच हैव बैकबोन और गर्ड। वे जानवर जिनके बैकबोन या रीढ़ जड़ी होती है वो छा सर पाए। आंसर वर्टीब्रेट्स। वर्टीब्रेट्स को सर पाए, रीढ़ जड़ी वाला जानवर वर्टीब्रेट्स सर पाए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर टू आए, सवाल नंबर दो आए एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन। वे जानवर जिनके कलंक जड़ी न होती है, रीढ़ जड़ी न होती है, वे छा सर पाए। आंसर इनवर्टीब्रेट्स। वो सर पाए इनवर्टीब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री आए एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। वे जानवर जो के भाई बिनी थे मतलब पानी में रहन और उनके बाद में जमीन पे रहन, वे छा सर पाए। वे सर पाए एम्फीबियंस। वो सर पाए एम्फीबियंस। वे जानवर जो के पानी में रहन और धरती पे रहन, क्रोकोडाइल फ्रॉग टेंपल के नाचता हूं यानी पानी में रहन था बाहर रहन था, ये एम्फीबियंस आए। क्वेश्चन नंबर 4 आए व्हाट आर लैंड वर्टिब्रेट्स। लैंड वर्टिब्रेट्स कराए, लैंड वर्टिब्रेट में इंक्लूड आए यानी शामिल आए। आंसर लैंड वर्टिब्रेट्स इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल आए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का के जब आए वे जेके पानी में रहन आई जमीन पे रहन वे लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। आई रेप्टाइल्स जेके रेडियम पर हलना है नाग वगैरह ठीक है ये छाइन ये लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। बर्ड्स पक्षी एंड मैमल्स, मैमल्स का के जब आए वे जानवर जेके खीर पहनता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स यानी खीर पहन कर खीर पहन कर जानवर खड़ा है छाइन। आंसर व्हाट आर मैमल्स। आंसर जवाब दीज वर्टिब्रेट्स ही करेंगे गिव बर्थ टू यंग वंस, ही देना है बच्चन के यानी पैदा करना बच्चन के। एंड द मदर फीड्स द बेबीज विच देयर विस्टर मिल्क, आई माँ पांजे बच्चे के पाली दिया है पाल पोषण कर दिया है पांजे खीर सा, यानी वो जानवर जो कि बच्चा पैदा करना है यानी बेटा ना लाइन डायरेक्ट बच्चा पैदा करना है उनके मेमर्स चाहिए होता है आई वो पांजे बच्चन के पांजे खीर से पाली देने यही मेमर्स हमेशा खीर दिया है। उन्हें के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आए व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है। आंसर जवाब क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी दर्जाबंदी। टैक्सोनॉमी मतलब दर्जाबंदी, हेड़ो अलग नालो दिनो भी आए छक है क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी के ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स जानवर और बूटन जी बिनी जी स्टडी के टैक्सोनॉमी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिविंग बीइंग व्हिच ओनली कैन सीन विद इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। जानदार हुए जेके सिर्फ एक औजार जेको सबको आए माइक्रोस्कोप उन्हें सा दिसन उनके छा जब आए। आंसर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो जी आए माइक्रो खुद भी नहीं वर्तो आए ऑर्गेनिजम्स जानदार सोलो रो समझने लाए कांसेप्ट आए माइक्रोस्कोप जब आई खुद भी लिखा तहने जी इनिशियलाइज जेके वर्ड साइंस नेचर साइंस उनके ता माइंड कर छियो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो जानदार है जेके माइक्रोस्कोप सर सन। उनके बाद में आए व्हाट इज टेस्टा। टेस्टा छ है टेस्टा। टेस्टा जो अलग जो लिखा है वो है सीड कोट यानी बीज जो जेको मतलब कोट हूं तो है बीज या खल हूं दिया उनके टेस्टा जब है। हाने इते आंसर भी समझा तो वधिक असान ने वधिक डिफाइन कर छियो है न तो ही आंसर या है सीड कोट द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग यानी बीज जो बाहर जो को हिस्सा हूं तो आउटर आउटर कवरिंग बाहर जो को ही मिसाल का एग्जांपल बीज है इने बाहर जो को हूं तो है या ता करे बादाम ठों तो उने अखरोट जो को हूं तो है अखरोट जंत्र जो का शरीर कर दिया है वो मतलब जो को खोपो हूं तो है वो आउटर कवर हूं तो है उने के टेस्ट आते हुआ है द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड यानी वो बीज जो वो हिस्सा जो को बाहर बाहर हूं तो है उने के साथ हुआ टेस्ट आते हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या कहते हुआ है। आंसर द प्रोसेस इन व्हिच सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। उन में के चबो है जे में बीज बदी बूटो थी विदो है। जर्मिनेशन जड़ा बीज जो अमल हो तो जे बूटे थन में उन अमल के जर्मिनेशन चबो है। चलो द प्रोसेस वो अमल इन व्हिच जे में सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट जे में बीज बदी एकड़ो बूटो थे उन के जर्मिनेशन चबो है। क्वेश्चन नंबर 10 आए व्हाट इज पॉल्यूशन। गदरान चाहे व्हाट इज पॉल्यूशन। गदरान चाहे जब बॉय। आंसर जवाब अ हार्मफुल चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। हार्मफुल में नुकसान कर एक खतरनाक बदलाव असाजे माहौल में सडबो आए पॉल्यूशन गदरान।
क्वेश्चन नंबर 11 आए, व्हाट इज ओजोन लेयर? जोन से बाय इलाके की, व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन परत छाए, ओजोन परत आए छा, उन लेयर के उन लेयर के मतलब छाए। आंसर जवाब ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स। हां ओजोन लेयर जो कम बुधाए तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ ओजोन लेयर हिफाजत करती है केजी जमीन जी फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज, सज जी खतरनाक शोहन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मैटर? मादो छाए। आंसर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, काम से जेका जगह वाला रे, काम से ओ हन जो नंडो एटम जो जरो वन पार्टिकल यो बेटा मा छाजे करे यो बका जगह वाला रे दुपियो हन में जगह वाला री हन फुट स्केल दिन जगह वाला रिया तो यो ब मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास आई उन जो मादो हो जे मादो आए जाहिर है के थोड़ो केडो भरो दा सड़े खदड़ो ब मादो आए जो मास आए इज कॉल्ड मैटर सड़बो आए मादो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड यानी नरी से सख्त से छाए। आंसर सॉलिड हैज डिफाइंड शेप, सॉलिड जी एक खास शिकल होती है एंड वॉल्यूम एंड यो मिकदार, उन जो मिकदार एंड शेप डिफाइंड होती है खास होती है उन के वो आशय जो खास मिकदार, खास मिकदार जो एंड खास शिकल होती उन के सॉलिड चेप आए। उन बाद क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज लिक्विड? पटड़ी से पानी आर छाए। आंसर जवाब लिक्विड हैज डिफाइंड वॉल्यूम, लिक्विड जो डिफाइंड वॉल्यूम होता है बट इट डज नॉट हैव डिफाइंड शेप, पानी जी डिफाइंड काम शेप ना होती है। गिलास में जानी पानी गिलास जड़ो थी दो, के पाटड़ में जानी पाटड़ जड़ो थी दो, वाह में वह तो वाह जी शिकल सा, जेकर दरिया में आता है विक्टर जो भाई दो, गुके में जो तो उन्हें शिकल सा, पानी सो जे सूरत में जे शिकल में भेजूंगा जे था में भेजूंगा और शिकल इख्तियार दो करे, पर सॉलिड से जड़ी आए ओड़ी जी ओड़ी बीठी आए। सॉलिड जो पांजो डिफाइंड शेप है वॉल्यूम हों इन जो डिफाइंड वॉल्यूम हों मिकदार डिफाइंड हों तौर पर किलो ही पीन पर जे में वेजा ओड़ी शिकल इख्तियार कह। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज गैस? गैस चाहे। आंसर गैस हैज नाइदर डिफाइंड शेप, गैस जी नई डिफाइंड शेप हों ना डिफाइंड वॉल्यूम, नई डिफाइंड वॉल्यूम हों जी में उतना गैस के वेजो जहां बी गैस में एंटर थी जैस तक सील न कह जैस तक सीलर तेस तक डिफाइंड शेप पी पे डिफाइंड वॉल्यूम मिकदार को डिफाइंड पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन चाहे चेब है। आंसर इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, इवेपोरेशन इवेपोरेशन एक प्रोसेस का अमल जो नालो है, कन्वर्टिंग लिक्विड यानी पटड़े के कन्वर्ट कर तब्दील कर इंटो गैस, गैसियस स्टेट, गैस जगह ता के उनके पानी को बाड़ दो ता के रखो के गरम बाय फ्लेम ते एटा बाय बासियो पानी या वाटर वेपर्स उडामना विदा वो गैस में तब्दील थीदा उने अमल के उने प्रोसेस के इवेपोरेशन चेबो है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कंडेंसेशन? कंडेंसेशन कंडेंसेशन चाहे। आंसर कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, यो मेगड़ो अमल है ऑफ कन्वर्टिंग गैस, यो है गैस के कन्वर्ट कर जो इंटर लिक्विड, गैस के कन्वर्ट कर लिक्विड में जड़ा गैस के हिस्से में विझी ता फ्रीज कर दो वह पानी ता अंदर ते वाटर वेपर शो थे शुरू थी विदा वह लिक्विड स्टेट में विदी यानी पानी आठार स्टेट में विदी इन अमल के चलान कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रेडिएशन? शो चाइल्ड। आंसर रेडिएशन द मूड इन व्हिच हीट, रेडिएशन आए वो मूड वो एग्री शिकल वो एग्री स्टेट इन व्हिच हीट जे में गर्मी पद गर्मी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव, जे में गर्मी ट्रांसफर थी जाए वेव लहर ही शिकल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन 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 चाहे कन्वेक्शन पे अपना जी का लोड करो सिज गर्म आए जमीन थदी आए सिज की गर्मी जब जमीन से पवंदी है तो उनके चबो है हीट, चबो है हीट, पर जो बिन्हीं जो प्रोसेस पान में घट पो प्रोसेस ऑफ हीट चबो है प्रोसेस ऑफ हीट। हाँ इन कन्वेक्शन चबो जै का गर्म शे पानिया की शुक्ल में आंचड़ो इनके डिफाइन था क्यों द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर प्लेस यानी ट्रांसफर ऑफ हीट गर्मी जो सूरत आए गर्मी एक सूरत वह हॉटर प्लेस का
यानी गर्म जगह का कें भी गर्म शे की गर्म सूरत एकड़ी जगह का बाय एक्चुअल मूवमेंट यानी पांजी असली हालत असली मूवमेंट में असली जगह उन्हें मूवमेंट आ ऑफ द पार्टिकल्स जरन जी पार्टिकल्स जरन जी ऑफ द मीडियम इज नोन एज अ कनेक्शन यानी गर्मी जी का सूरत है उन्हें जे जरन मॉलिक्यूल सा गड जरन सा गड बे पासे वो लिक्विड शिकल में थी लेकिन गैस की शिकल में पर सॉलिड शिकल में कौन थी चाहे करे बी ग्रीस गर्मी जी के ट्रे सूरत हुंदी है एकड़ो रेडिएशन हुंदी है बियो कंडक्शन हुंदी है टियो कन्वेक्शन हुंदी है कन्वेक्शन उन्हें सूरत के चबो है जदा पार्टिकल्स जरड़ा के शेजा गरम एकड़ी जगह का बी जगह से मुंतकिल थी।